यार एक मिनट रुक जाया करो, पहले मैं इसको उतार दूं, नहीं तो आपने कहना है कि लैरी पे हर वक्त कॉमेडी का भूत सवार रहता है। आजा भाई रोशनी, इसका जरा ध्यान रखना, मेरा बेटा है। चलो किसी का दो, किसी का दो। यार अब जाओ ताली। रोहित जी इजाजत हो तो मैं शो शुरू करूं? बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल नहीं करेंगे तो मैं शो शुरू नहीं करूंगा। आज मेरी इवेंट कंपनी का पहला रैम शो है, तो मैं पहली एंट्री को बुला रहा हूं आपकी जोरदार चीखों के साथ, सेक्सी लेडी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, तालियां। ओए बंद करो यार, वो डरा रही है, तुम हंसा रहे हो बीच में। ए, वैसे आप हैं कौन यार? ये आवाज कहां से निकाल रही हो तुम? प्यार का तोहफा मेरा, बिगाड़ेगा जीवन तेरा। अरे यार मैं एक भटकी आत्मा हूँ। भटकी आत्मा? वो बताओ ना, मुकेश भटकी, विक्रम भटकी, किसकी हो? और वैसे भी जो बात करनी ना अपनी आवाज में करो, उसकी भी टाइम हो गया एंट्री का, समझा करो। ये यहाँ भी आ गया? कौन है ये? किस मुंह से कहूँ? ये प्रॉब्लम तो उसकी उसके दोहा तेरा है कि तुम कह दे इसी मुंह से। अरे ये क्या बताएगी? मैं ही बताता हूँ, ये अपुन की गर्लफ्रेंड है। अरे फेंकना फेंकना, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ शक मुझे पहले था, क्योंकि इनकी शक्ल तो मिलती नहीं है। वैसे मैं कैसा रहूंगा तुम्हारे लिए? ऐसे, ये मेरा बॉयफ्रेंड था। ये क्या कह रही हो दीदी? इधर आ जाओ तुम। रोहित जी मैं सच्ची कहता हूँ, मैं आज तक सारी उम्र लोगों को सरजी सरजी कहता रहा, असली सरजी मुझे आज मिले। सरजी मुझे समझ नहीं आई, आपने अभी परफॉर्मेंस दी नहीं, एडिटिंग आपकी पहले ही हो गई है। अबे तेरी माँ की आत। ओए मैं थप्पड़ मारना, तमीज से बात कर। अबे फर्स्ट फ्लोर पे आ। तो तू ही है जो ये रैम शो करके हमारे इधर की बहन बेटियों को बिगाड़ रहे ले। इसका मतलब बीवियां पहले से बिगड़ी हुई हैं। ये ज्यादा मत बोल, नहीं तो तेरी मुंडी काट डालूंगा। अबे तू क्या खड़े लिए, तेरे को भी पेमेंट मिलती है ना, डरा ना इसको। और डर यार, क्या डर, मैं तो लोगों का डर दूर करने आया हूँ। और यार डर नाम की कोई चीज नहीं, मैं तो कहता भूत होते ही नहीं है, ये वहम है आपका, कुछ नहीं होता, ये सब वहम होता है। ये भूत कहाँ? मैं डरता थोड़ी हूँ। डर किस बात का? देखो जैसे आप मेरी परफॉर्मेंस में दाद देते हो ना, ये हाथ देके चला गया है। सुरेंद्र जब तुम्हारा हाथ थक जाए ना, इससे बजाया करो, शायद ताल में बजे। ले लो ले लो। आज मुझे पता चल गया कि भूतों के साथ रहना कितना मुश्किल है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ या परमीत। और आजकल आप भी जान गए हो। मुझे समझ नहीं आई, जितने भी भूत आ रहे हैं ये सारे टू व्हीलर पे आए, ये फोर व्हीलर पे आ रहे हैं, यार चक्कर क्या है? तेरी तो नॉर्मल वॉक ठीक नहीं है, तू रैंप वॉक कैसे करेगा यार? मैं तो पजल हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे करेगा। नमक तो कम डाला करो। एक बात कहूँ, प्यारा बड़ा लगा तू मेरे को, तेरी आंखें देख के मुझे ऐश्वर्या याद आ गई है, तेरी ये आंख बड़ी प्यारी लगी है मेरे को। ये ना माँ की आंखें। तू रख, तेरी माँ की आंख हो गई। तो तू ही है जो मॉडल्स की जगह भूतों का रैम वॉक करवा रहा है। नहीं कराना तो मैंने मॉडल्स का ही था, पर चक्कर पता क्या है, मॉडल जो होती है ना बड़े डेड एक्सप्रेशन देती है। तो मैंने सोचा भी डेड बॉडी का करा लो, आप सस्ते भी पड़ते हो ना थोड़ा। थप्पड़ मारना ज्यादा बोला
शक पड़ गया, वो भूतों के पैर तो उल्टे होते, तेरे सीधे क्यों आए? अबे मेरे वैसे ही जैसे भूतों के होते, मेरी ना मुंडी टेढ़ी लगी हुई है। इसी तरह मैं सोच रहा था कि मेरे साथ सीधे मुंह तो बात क्यों नहीं कर रहा। हे, वो तू रोता क्यों है, क्यों रो रहा है तू? तू डरता क्यों नहीं है मुझसे? यार ये क्या? मैं भूत बन गया है, डर रहा है। यार मैं तेरे से कैसे डर सकता हूँ, देख मैं कितना हैंडसम हूँ, हूँ ना? हाँ। जब मैं कृष्णा के साथ होता हूँ तो थोड़ी लगता हूँ। तो अब तू अर्चना जी के सामने मैं कैसे डरूं तेरे से? क्या बात कर रहे? दीदी इधर ही है। अरे दीदी, हाय दीदी। अच्छा, आप दीदी हो इसकी? मैं सच्ची बताऊं शक मुझे पहले से था, लेकिन आज यकीन हो गया कि आप दीदी हो, भैया नहीं हो। अच्छा सर जी, कैसी लगी आपको हमारी ये परफॉर्मेंस? अगर कोई गलती रहेगी तो बताओ, कोई कमी तो नहीं थी? कमी थी। क्या? डांस की। एक मिनट यार, फिर शक में पड़ गया मैं। हेलो आंटी जी, कृष्णा ठीक है? है? नहीं। कैसी लगी आपको इनकी परफॉर्मेंस अर्चना? आई थिंक इस एक्ट में दो चार मुझे कमियां लगी। आपने हमारी इतनी खराब आदत डाल दी है कि पंच पे पंच पे पंच, मतलब सोचने का मौका नहीं मिलता। लेकिन इट दिस एक्ट हैड समथिंग एल्स, देयर वाज एंटरटेनमेंट। आप जानते हैं आपका डांस बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है, तो आपने इनमें वो डांस डाल दिया। सुदेश का एक यूनिक वन मैन स्टैंड अप देखने को मिला। मेलिसा यू आर वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और कृष्णा एज यूजुअल ब्रिलियंट, वेरी वेरी गुड एक्ट। पूरा एक्ट जो था वो आप तीनों की परफॉर्मेंस पे उठाया गया। अर्चना जी की तरह अगर मैं कहूँ तो इट वॉज माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस के लिए अर्चना आपका स्कोर स्लाइटली इनकम्प्लीट, 10 इज अ 9। रोहित 9। चिपकू तांत्रिक बाबा कई जन्मों से पीछे पड़ा है इस इच्छाधारी नागिन के, और नाग को पता ही नहीं। आइए देखते हैं कि तांत्रिक रहमान क्या लेके जा पाएगा इच्छाधारी नागिन श्वेता की आत्मा को नाग अनूप से बचा के। प्लीज वेलकम रहमान, श्वेता एंड अनूप। अब क्या हुआ? अबे नागिन बीन पे नाचती है, शादी के बैंड पे नहीं। डालेंगे चीन की बीन ऐसी होती है, बजाते ही इसका बैंड बज जाता है। ले सुरेंद्र इसे तू बजा। और मैं हिस अर्चना पूरन मासी की रात, तुम कितनी सुंदर और स्लिम ट्रिम लग रही हो। हिस, दे दे किस। नहीं, पूर्णमासी में नो बदमाशी, मुझे शर्म आ रही है। हाँ, वाव, जहरीली भी और शर्मीली भी। लेट्स हैव फन। काहे का फन? पहले मुझे उस तांत्रिक से बचाओ जो पिछले 100 साल से मुझे अपने वश में करने में लगा हुआ है। अरे वो तांत्रिक, वो तो 100 साल पहले 99 साल का था, अब तक तो कहीं गश खा के मर गया होगा। बाबा तुम जिंदा हो? तांत्रिक आसानी से न मरता है न मरवाता है, बस मंत्र बोलता जाता है। है? ये सांप का माल है, बाप का माल नहीं है जो बोलने से वश में हो जाएगा। हम तांत्रिक हैं, ऐसा मंत्र मारेंगे वो वश में हो जाएगी, तो बेबस हो जाएगा। हो हा हू, ये कैसा मंत्र है? ये तुम्हारे लिए कल ही डाउनलोड किया है, ये लेटेस्ट वर्जिन वर्जन। हो हा हू। ए तांत्रिक, मेरे पास मत आना, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। ये अगर इच्छाधारी नागिन है तो मैं भी कच्छाधारी तांत्रिक हूँ। 100 साल से इसका पीछा कर रहे हैं कच्छा धारण करके। कच्छा धारण करके क्यों बाबा? अच्छा लगता है। मुफ्त में वायु की इनकमिंग हो जाती है और आउटगोइंग भी हो जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। बाबा आपकी त्वचा से भी आपकी उम्र का पता नहीं चलता। पेज 3 का तांत्रिक है।
तूने गुस्सा नहीं देखा मेरा, मंत्र मार के गायब कर दूंगा तेरा। मेरा नहीं तुझे। मत करना बाबा। ए, आधा मंत्र निकल चुका है, आधे के बीच में रुकूंगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ठीक है बाबा, आधा ही गायब कर दो ना। हो बाबा, बाबा मुझे एक बात बताओ, आप मुझे वश में क्यों करना चाहते हैं बाबा? बस। बहुत लंबी कहानी है। लंबी कहानी है, रिलैक्स, मैं शॉर्ट में सुनाऊंगा। ओह कंटिन्यू। बस इतनी सी बात थी, एक दिन मेरी सुहागरात थी, मैंने दरवाजा बंद किया और खिड़की खोल दी। जैसे ही मैं हो हाऊ करता, कमरे में एक सांप घुस आया। और खाओ हवा। सांप आया और हम पति पत्नी के बीच में लेट गया। बोला, जब तक मुझे जंगल में नहाने वाली इच्छाधारी नागिन नहीं लाओगे, तब तक मुझे बेड पे ऐसे ही लेटा पाओगे। बाबा इसीलिए तुम 100 साल से मेरी वाली के पीछे पड़े हो? क्या करूं बाबा, 100 साल से सुहागरात पेंडिंग है। मेरी पत्नी घूंघट पहन के चौखट पर आस लगा के बैठी है। क्या एक्सचेंज ऑफर निकाला है? मेरी वाली को देके तुम अपनी वाली को पाना चाहते हो? एक हिस मानूंगा ना तो हिस हाइनेस हो जाओगे। ए, हम तांत्रिक हैं, मंत्र मार के तेरे सारे यंत्र बेकार कर देंगे। यू वॉन्ट टू प्ले कुंग फू? यस। ओके। तूने गलती से अपना ही सामान डैमेज कर दिया। जानबूझ के किया, 100 साल से पका रहा था, बाय गॉड। बाबा आप मुझे बताओ ना, वो नया सांप दिखता कैसा है? खुद ही देख लो, सामने कुंडली मार के बैठा हुआ है। रोहित कैसी लगी आपको इनकी हिस्ट्री? द होल एक्ट वाज सच अ गुड एक्ट। जो स्टोरी में वो तांत्रिक आता है, फिर उसकी मजबूरी है, उसका क्या प्रॉब्लम है, इट वाज सो ब्यूटीफुली डन। हैट्स ऑफ। थैंक यू। आपने बहुत ही बैलेंस्ड एक्ट दिया है। एक होता है ना एक सेटअप, यू सेटअप एन एक्ट एंड देन यू रियली डू जस्टिस टू इट। तो जो सेटअप था उसको आपने फुल जस्टिस किया। सो इन टोटल इट वॉज अ वेरी 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 एंजॉयबल एक्ट। थैंक यू। मार्क्स क्या देंगे आप रोहित? आई गिव यू अ 9। For me, it's going to be a 10. तांत्रिक राजीव की बीवी स्मिता को फौजी भूत ने झपट लिया है उनकी सुहागरात पर, और भूत भी कौन है? सलोनी। Please welcome राजीव as तांत्रिक, स्मिता as बीवी and सलोनी as फौजी भूत। आज तांत्रिक बाबा की सुहाग रात है। मैंने बड़ी बड़ी चुड़ैलों को अपने वश में किया है। तुम्हें याद है अर्चना, कॉमेडी सर्कस 1 में तुम्हारे अंदर एक चुड़ैल घुस गई थी, तभी से तुमने हंसना शुरू किया था। लेकिन मैंने मंत्र मारा, धीरे धीरे उसमें से अर्चना निकल गई, सिर्फ बस यही बचा है। उसने देखने को कहा है, आज हम देखेंगे। डार्लिंग जवान, 2 कदम पीछे हट। जवान 2 कदम पीछे क्यों हटेगा? जवान का खर्चा हुआ है। और 2 कदम पीछे हटके मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा स्वीट हार्ट। जवान ये बहुत खतरनाक मिशन है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। स्वीट हार्ट, जान जाए चाहे ना जाए। अबे मेरी बीवी कहाँ है? जवान चढ़ाई शुरू करो। लगता है इसके अंदर किसी फौजी का भूत घुसा है, अभी निकालता हूँ भूत। भूत तो मैं मंत्र मार के निकाल देता हूँ। आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा, बाहर आ जा छू। कौन? लगता है शाहरुख खान डर गया। नहीं, डर के शाहरुख खान बन गया। अबे ये भूतों में भी राजपाल यादव होते हैं? तुम सच सच बताओ कि तुम हो कौन? मैं चुड़ैल की बच्ची हूँ।
और तेरा शरीर मेरा ठिकाना है। मम्मी। अबे तू दूसरों के शरीर में क्यों घुसी रहती है? क्या करूं? ऐसे मुझसे कोई डरता नहीं है। मैं जब भी किसी का खून चूसने जाती हूँ वो मेरे पप्पी लेकर दूध पिलाकर वापस भेज देते हैं। मुझे खून चूसना सीखना है। तो बेटा इलेक्शन में खड़े हो जा, खून चूसना अपने आप आ जाएगा। बेवकूफ, सिर्फ चुड़ैल का डिप्लोमा करके घूम रही है, आज तक कभी किसी का खून चूसने नहीं गई। गई थी इमरान हाशमी का खून चूसने। गंदा बच्चा, वो पहले से किसी और का खून चूस रहा था। इसका मतलब है तू आज तक कभी किसी को डराने भी नहीं गई? गई थी अर्चना आंटी को डराने। मम्मी, मेरे डर के मारे चीख निकल गई। क्यों? वो बिना मेकअप की बैठी थी इसलिए। अबे तू चुड़ैल बनी कैसे? इसके लिए तुम्हें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ये उस दिन की बात है जब ठाकुर और उसके दोस्त हवेली में थे। हैं? वहाँ भी ठाकुर? दुनिया में आधी से ज्यादा चुड़ैले ठाकुर और उसके दोस्तों की वजह से बनती है। हैं? हटिए बहन जी। स्वामी कुछ तो करो ना, आज हमारी सुहाग रात है। हाँ हाँ, मैं तो इस चुड़ैल का कुछ करो। दोनों में कंफ्यूज हो गया था। इधर आ, मेरी बीवी को शरूर छोड़ने का क्या लेगी तू? वेरी सिंपल, तुम मुझे किसी दूसरे के शरीर में डाल दो। मैं तुझे बहुत बड़े सेलिब्रिटी के शरीर में डाल देता हूँ, राजीव ठाकुर। सेलिब्रिटी का नाम बताओ, किसी टुच्चे से आदमी का नाम नहीं। इसको ना अमिताभ बच्चन के शरीर में डाल दो। हाँ। नहीं, वो तो इतना काम करता है, इतना काम करता है। हम चुड़ैलों को तो दिन में 8-10 घंटे आराम चाहिए होता है। तो फिर दिनों मारियो के शरीर में डाल देता हूँ। मैंने दिन में 8-10 घंटे कहा है, साल में 8-10 महीने नहीं। अबे तू तो शरीर भी ऐसे चूज कर रही है जैसे आमिर खान अपनी स्क्रिप्ट चूज करता है। इसको तुम आमिर खान के शरीर में डाल दो। हाँ। नहीं, मेरे चाचा उसके शरीर में घुसने वाले थे, उसको उनकी एंट्री पसंद नहीं आई, 300 रीटेक करवाए, मेरे चाचा कोमा में चले गए। मुझे तो ना अब रोशनी की बस एक ही किरण नजर आ रही है, रोशनी। नहीं, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अगर मैं कहीं इसकी टांगों में आ गई, मैं तो नंगी पोंगी घूमती फिरूंगी ना। मैं किसी के शरीर में भी डाल दूंगा, तुम खुद ही पसंद कर लो। रोहित शेट्टी। क्यों? कम से कम तुझे अच्छे नंबर तो दिला दूंगी और कुछ सुहागरात खुशी से मना सकता है। हाँ। तो 200 सुहागरात के अच्छे नंबर। रोहित, क्या कहना चाहेंगे आप इस नन्ही चुड़ैल के बारे में? ओवरऑल एक्ट में तो मुझे पंचेस कम लगे, बट देन आल्सो अगर पूरे एक्ट को किसी ने संभाला है तो वो सलोनी। सलोनी, आप जब आए तो आप यू गॉट लाइफ इनटू द एक्ट। आपने जो 2-3 पंचेस मारे, वो बेस्ट पंच तो वो था भैया रोशनी तुम्हारे पर मारा, तुम्हारी टांगों में फंस गई तो मैं नंगी पोंगी घूमती रहूंगी। सलोनी, वंस अगेन यू आर रॉकिंग। क्या स्कोर देंगी आप इन्हें अर्चना? आई वुड लाइक टू ओनली गिव यू अ 7। 7। रोहित, दिस इज ओनली फॉर सलोनी, 8। देखने आए शरद और भारती, और वहां उन्हें मिलते हैं अजीब परिस्थिति में परेश, और सत्य घटनाओं पर निराधारित इस फिल्म में क्या होता है देखते हैं। प्लीज वेलकम द यंग कपल शरद एंड भारती एंड परेश एज वेरियस आर्टिस्ट। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। मेरा भी कुछ ऐसा ही समझो। शट अप यार, प्लीज मेरे प्यार की गहराई को समझो। मोटाई से फुर्सत मिले तो गहराई की तरफ समझो ना कुछ। चलो डार्लिंग, हम कोई रोमांटिक फिल्म देखने चलते हैं। मुझे नहीं जाना फिल्म देखने, सिनेमा हॉल में तुम्हारी नजर स्क्रीन पे कम, मेरी स्किन पे ज्यादा होती है। नहीं बेबी, आज हम सिर्फ फिल्म ही देखेंगे। नहीं। क्या? पॉपकॉर्न भी खाएंगे। एक बड़ी रोमांटिक फिल्म लगी है, मुर्दा का गुर्दा। मुर्दा का गुर्दा? हाँ,
ये रोमांस विद हॉरर्स है, इसमें 20 साल का रोमांटिक लड़का और 200 साल की एंटिक लड़की का प्यार दिखाया गया है। टिकट टिकट 200 का 100, 200 का 100, 200 का 100, 200 का 100। अरे अर्चना तुम यहाँ बैठी हो आज, क्या पीछे से जज करोगे क्या? अरे ओ यहाँ बैठी हो, सॉरी यार सॉरी, बुरा लगा होगा तुम्हें। अरे 200 का 100, 200 का 100, 200 का 100, 200 का 100, 200 का 100। भाई साहब आप ब्लैक का टिकट बेच रहे हो? अबे छोटू ब्लैक की टिकट 2 साल पहले बेचता था, फिलहाल तो मैं मुर्दा का गुर्दा की टिकट बेच रहा हूँ, समझा? 200 का 100, 200 का 100, 200 का 100। लगता है फिल्म में दम नहीं है तभी 200 का 100 में बेच रहा है। अबे फीमेल सुमो कानपुर में हड़ताल है क्या? मैंने कहा 200 का शो, चल लेना है तो बोल फटाफट, वैसे भी टिकट को लेकर बहुत मारामारी चल रही है। भाई साहब हाँ, 2 कॉर्नर की सीट्स मिलेंगी? अबे तू कॉर्नर की सीट लेके क्या करेगा अभी, इसे कितना भी कॉर्नर में बिठा ले दिख ही जाएगी। चले ये ले 2 कॉर्नर की सीट, और सुन कभी कभी फिल्म में भी इंटरेस्ट ले लेना बे। चलो अब फिल्म स्टार्ट हो जाएगी। ये मोटी अकेली की फिल्म देखेगी ना तो ऐसा लगेगा कि पूरा शो हाउसफुल है। नंबर क्या मिले? ढंग से डायलॉग बोलो तभी नंबर देंगे। अरे मैं सीट के नंबर की बात कर रहा हूँ यार। सीट नंबर? सारा हॉल खाली पड़ा है। लगता है ये फिल्म रामू ने बनाई है। ए हेलो टिकट वाले, अभी तो तुम कह रहे थे कि बाहर टिकट के लिए मारा मारी चल रही है। हाँ वो तो अभी भी चल रही है। यार मेरे मेरे पैसे वापस दो, मेरे पैसे वापस दो। अरे चल छोड़ना यार, आ फिल्म एंजॉय करते हैं। कटी खोपड़ी प्रोडक्शन की डरावनी प्रस्तुति मुर्दा का गुर्दा। इंट्रोड्यूसिंग अर्चना पूरण सिंह। ये क्या, कॉमेडी तक तो ठीक था, अर्चना हॉरर में भी ऐसे हंसती है? अबे वो हंसती हॉरर के लिए ही है, हमें कॉमेडी लगता है वो। कहानी शुरू होती है एक वीरान और खाली बंगले से। यहाँ पूरा हॉल खाली पड़ा और वहाँ बंगला भी खाली पड़ा है। अबे यार मैं इस हॉल में हॉरर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तू एक कॉमेडी कर रहा है। प्लीज करने दो ना, कभी कभी तो बेचारा कर पाता है। कर तू। उस वीरान से बंगले में 3 खतरनाक आत्माएं रहती थी। जानू एक तो इसी की होगी। एक दिन अचानक रात को उस बंगले में 2 खून से भरे हाथ एक आत्मा की तरफ बढ़ते हैं और पास जाकर कहते हैं, ए, बस कर आगे सुना। खून से भरे हाथ एक आत्मा पर वार करते हैं। ये देखकर आत्मा बोलती है, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से मैं डरता हूं तो सिर्फ भारती की डकार से। बाकी 2 बची आत्माओं ने उस खून से भरे हाथ को पकड़ लिया, चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, हर तरफ शोर। उन 2 आत्माओं ने खून से भरे हाथ की एक एक उंगलियां पकड़ पकड़ कर काट डाली। फिल्म के अंत में वो 3 आत्माएं एक ऐसी जगह जाकर मिलती है। क्या कर रहे हो यार तुम लोगों को, क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? अरे आप लोगों ने भी सुना होगा ना, जो डर गया समझो मर गया। Keeping Paresh and Bharti and even you Sharad, जो आप लोगों का कैलिबर है, मुझे एनर्जी थोड़ा सा कम लगा। प्लस अगर आप शरद को प्रोफाइल दे रहे होते और इंटरेक्शन जो एक्शन का रिएक्शन मिलता शरद का, तो आई थिंक ये एक्ट कहीं का कहीं और चला जाता। शरद आप थोड़ा यू आर टू रिलैक्स्ड ऑन स्टेज, आई थिंक ये एक क्वालिटी है ऑफ बीइंग एट ईज ऑन स्टेज, लेकिन हल्का सा फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा डिसइंटरेस्ट ना लगे, यू नो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल ऑफ दैट। द एक्ट ऑन द होल आई थिंक विद द साउंड इफेक्ट्स एंड द यू नो ऑल द पंचेस वाज अ वेरी वेरी डिसेंट एंड वेरी एंजॉयबल।
और इस एक्ट को कितने मार्क्स देंगी आप अर्चना? It's an 8. Thank you. Rohit? I'll give you a 7. Thank you. 7 points. Thank you. जोरदार तालियां एक बार तीनों के लिए. हर्ष और जिमी है कब्रिस्तान के पुराने भूत और इनकी कब्रिस्तान में आई एक नई भूतनी. दोनों इस नई भूतनी को बता रहे हैं इनकी दुनिया कैसी है. सो प्लीज वेलकम हर्ष, टीना एंड जिमी एज कब्रिस्तान के तीन भूत. कसम पैदा करने वाले की, मेरे फैंस इसी तरह चीखते चिल्लाते रहते हैं. फैन होगा तेरा चाचा, मैं भूत हूँ, भूत हूँ, भूत. भूतों के भूत से डरता है हा? इतना भंटन के कहा अपना मुंह सफेद करने जा रहा है. मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ. यहाँ पर आइटम आने वाली है, क्या लगती है? ओए, वो मेरी गर्लफ्रेंड लगती है. क्या माल है? अरे मुझे उठाओ! पहले कदम पे गिर गई गिरी हुई भूतनी. ओए, भूतों से बात करने की तमीज नहीं तुझे? भूतनी तो सिर्फ मेरी है, कोई शक? ओए, तूने फिर डिसाइड कर लिया यार? ये स्क्रिप्ट में भी ऐसे ही करता, पहले डिसाइड कर लेता, अच्छी है फिर साथ नंबर आते हैं यार. वो तो इसलिए आते, तू बहुत गंदा परफॉर्म करता है. ओए, ओए! ए, तुम लोग कृष्णा और सुदेश नहीं हो जो कैरेक्टर के बाहर जाके नंबर लेके आओगे. कल कब्रिस्तान के बाहर मैं एक औरत को डराने के लिए जोर से हंस दिया. वो मुझसे भी ज्यादा जोर से हंसी. माइंड ब्लोइंग कर 9 नंबर छिपका के चली गई. ओ भाई, तू ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाएगा तो आज 9 का उल्टा मिल जाएगा. तुम लोगों को मर के भी नंबरों की पड़ी है? यही होता है रियलिटी शोज में, इससे अच्छा तो अपना डेली सोप है. तुझे तो एग्री होना ही पड़ेगा, पिछली बार प्रोड्यूसर से डिसएग्री हुआ था. सेकंड एपिसोड में मार दिया इसको, तब से यहाँ भटक रहा है. ए, कोई पानी पिलाओ. भूतों के दुनिया में पानी नहीं मिलता है, सिर्फ खून मिलेगा. कौन सा चाहिए, रेगुलर या मिनरल? इन दोनों में क्या फर्क है? रेगुलर गरीब का खून होता है और मिनरल गरीब का ही होता है, लेकिन अमीर से फिल्टर होके आता है. अरे वाह, यहाँ पे भी इतना फैसिलिटीज मिलता है, ये तो इंसानों की दुनिया जैसी है. वो इसलिए क्योंकि इंसान वो काम करने लगा है जो कभी भूत किया करते थे. पहले भूत इंसानों का खून पीते थे, अब इंसान ही इंसान का खून पी रहा है. यार एक मिनट, तुम लोग रहमान थोड़े हो जो सीरियस एक्टिंग करके बड़े बड़े मार्क्स लेके निकल जाओगे. यार कॉमेडी करने आए, कॉमेडी करे. कहां से कॉमेडी करे हा? एक औरत ने हमारी हंसी चुरा ली और उसी हंसी से पैसा कमा रही है. इतना पैसा कमा के जाएगी कहां? 2012 में दुनिया खत्म होने के बाद तुझे हमारे ही बीच आना होगा. इसीलिए सोच समझ के नंबर भी देना होगा. अर्चना, मुझे लगता है आज का एपिसोड अर्चना स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि हर एक एक्ट में बस अर्चना ही अर्चना है. तो आप ही से शुरुआत करते हैं. मुझे रॉयल्टी चाहिए, बस सॉलिड रॉयल्टी चाहिए. एक चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि ये जो हम कैरेक्टर के बाहर आकर जो ये रियलिटी जोक्स मार रहे हैं, फाइन ग्रेट, लेकिन पहले कैरेक्टर तो पकड़ो. मुझे ऐसा लग रहा है कि हर जो तिकड़ी है वो ज़्यादा आउटसाइड द कैरेक्टर्स पंचेस मार रही है. उससे क्या हो रहा है, आपका एक्ट जो है वो जम नहीं रहा है. एंड हैविंग सेड दैट, आई विल से कि इस एक्ट में मुझे डेफिनेटली वीकनेस लगी. हर्ष, यू आर टू गुड. मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई एनर्जी में आज आपकी. It was up to the mark. Even Moses, even you, up to the mark. जैसे अर्चना जी ने कहा कि I think समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहे, टीना क्यों आ रही है, आप कौन हो. आप लोग बैंग कर करके बता रहे थे कि हम लोग ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, बट वो इट शुड कम वेरी ईजिली, जो निकल के नहीं आया आज. दैट्स ऑल आई वुड से. आई थिंक दैट योर एक्ट डिजर्व्स अ 7. थैंक यू रोहित. आई गिव यू अ 7. 7. जोरदार तालियां इनके लिए. तो सबने दे दिए हैं, अब एलिमिनेशन. आज यहाँ दो तिकड़ियों को कब्रिस्तान में धकेला जाएगा. जिसकी परफॉर्मेंस को मिलेंगे सबसे ज्यादा मार्क्स वही जिंदा रहेंगे. तो मौत के कुएं में आने वाली पहली तिकड़ी है हर्ष, जिमी और टीना, और दूसरी तिकड़ी है शरद, भारती और परेश. आप
आप तीनों में से कौन आने वाला है? मैं आऊंगी। जोरदार तालियां भारती के लिए। कॉमेडी सर्कस वाले आपको बड़े अच्छे लगते होंगे, लेकिन मेरी तो आते ही इंसल्ट कर दी बहुत बड़ी। गाड़ी नहीं भेजी एयरपोर्ट पे। मैंने कहा चलो भाई नया शो है तो थोड़ा, मैं कहा मैं खुद की टैक्सी करके चली जाती हूँ। मैंने टैक्सी वाले भैया को कहा, मैं कहा भैया चलोगे? कहता चलेंगे मैडम, क्यों ना चलेंगे। मैंने कहा भैया कितने पैसे? तो मुझे ऊपर से लेके नीचे तक देखा, बोला 20 रुपए किलो। मोटापे पे तो बहुत ज्यादा ये लोग पंच 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 मोटापे पे। खूबसूरती भी काफी है हमारे सेट पे, जैसे कि रोशनी बहुत ही प्यारी है, टांगे इसकी पूरी बड़ी प्यारी है, लेकिन लिप्स ज्यादा प्यारे हैं पूरे ऐसे। इनके लिप्स देखे ऐसे लगता है कि माँ बाप ने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया इनके लिप्स। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, समझदार। अब रोहित जी ऐसी प्यारी बच्ची है लल्ली, होली वाले दिन मेरे घर आ गई। भारती मोटी दरवाजा खोल। दरवाजा खोला, मैं कहा लल्ली हैप्पी होली। हैप्पी होली। मैं कहा लल्ली 5-6 पिचकारियां है क्या? लल्ली एक पिचकारी दे दे। मनाने जाने। मैंने भी लोगों को भिगोना है। तुम्हें पिचकारी की कोई जरूरत नहीं है। बदतमीज अपने मुंह में पानी भर के चूल्ही कर 5-6 बंदे भिगो सकती है। अब इतनी खुश, मैंने कहा लल्ली होली के दिन इतनी खुश क्यों? मैं इसलिए खुश हूँ कि आज हमारी बकरी ने अंडा दिया। मैं कहा डफर ही हो तुम। मैं कहा तुम्हें ये भी नहीं पता कि बेटे बकरी अंडा नहीं देती, मुर्गी अंडा देती है। मेरे को पता है, हमने अपनी ना मुर्गी का नाम बकरी रखा हुआ है। थैंक यू सो मच। तो हर्ष, टीना और जिमी, आप तीनों में से कौन आने वाला है? जिमी, जोरदार तालियां जिमी के लिए। बड़ा मजा आ रहा है ये कॉमेडी सर्कस का पूरा एक्सपीरियंस, और मेरे फेवरेट जोड़ी के साथ मैं डेंजर जोन में आया हूँ। जो भी होगा देखा जाएगा, अच्छा ही लगेगा। गेम शोज देखते हम लोग, सब लोग बोलते हैं कि 1 घंटा बैठे रहते हैं, ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है। 10 कदम, उसमें भी बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछे जाते हैं। कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष पैंट के अंदर अंडरवेयर पहनते हैं? और उस पर भी विचार विमर्श किया जाता है। पंजाब में तो कच्छा पहनते हैं, यूपी में लंगोट पहनते हैं। 30%, 30%, ऊपर 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 ऊपर, नीचे 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 नीचे, ऊपर 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 ऊपर, नीचे नीचे नीचे। अरे मैं बोलता हूँ ऊपर कहाँ जा रहे हो यार, नीचे आओ, पैंट खोलो, देखो, अभी पता चलेगा। और एक आया था सच का सामना। अर्चना जी, वो वाइफ के साथ बैठ के देखना बहुत बड़ा टास्क था। वहां कुछ सवाल आता है, 12 साल की आपकी शादी में किसी गैर औरत के साथ आपके संबंध रहे हैं? तो आपकी वाइफ आपको देखती है, हस्बैंड को लगता है कि सारे सवाल अपने लग रहे हैं, मुझे क्या देख रही है। नहीं नहीं, आप होते तो क्या जवाब देते। अब उधर आदमी जो आता है, बंदा, मेरा मानना ऐसा है कि इंसान को सच बोलना चाहिए, मेरी वाइफ भी बोलती है कि मैं सच बोलता हूँ। अब इनके साथ जो वाइफ आती है ना, आपने गौर किया होगा उसका शक्ल ऐसा होता है। आदमी भी सोचता है रोज रोज इसका सामना करने से अच्छा है एक बार सच का सामना कर लो यार। तीसरे पड़ाव पे डेंजर क्वेश्चन आते हैं। 15 साल की आपकी शादी में आपके 2 बच्चे तो हैं, लेकिन कोई और भी नाजायज बच्चा है? अब ये सच बोलने जो बैठा है बंदा, नहीं, ये जवाब सच है। आदमी मन ही मन सोचता है आज मशीन को भी बेवकूफ बना दिया। थैंक यू। तो अब वक्त आ गया है रिजल्ट्स जानने का। सबसे पहले स्वागत कीजिए हमारी दोनों तिकड़ियों का जो आज डेंजर जोन में है।
सबसे पहले मैं आप दोनों टीम्स को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, क्योंकि आप दोनों टीम्स ने बहुत ही बेहतरीन फाइट पुट अप की, एंड आई थिंक वी डिजर्व टू गिव देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि दोनों भारती और जिमी दे वर जस्ट ब्रिलियंट, और इसी ब्रिलियंस की वजह से आप दोनों टीम्स के मार्क्स में सिर्फ एक अंक का अंतर है. जिमी, टीना और हर्ष, आपकी टीम को रोहित ने दिए 8 पॉइंट, ऑडियंस ने दिए 9 पॉइंट और अर्चना ने दिए 9 पॉइंट. इससे आपका टोटल होता है 26 पॉइंट्स. शरद, भारती और परेश, आपकी टीम को रोहित ने दिए 8 पॉइंट, ऑडियंस ने दिए 9 पॉइंट, अर्चना ने दिए 10 पॉइंट. इससे आपका टोटल होता है 27. आप सुरक्षित हैं. प्लीज गो एंड टेक योर सीट. जिमी, आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद आज हम आपको अलविदा कह रहे हैं. वुड यू लाइक टू से समथिंग जाने से पहले? अगेन थैंक्स टू कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. वहाँ से जो नंबर मिलते हैं, वो नंबर जो है खाने की तरह, जिसको जितना भूख है उतना वहाँ से लेगा. हमारी भूख जितनी थी उतना आपने दिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स एवरी वन कि हम लोगों के लिए, हम लोगों के परफॉर्मेंस के लिए जो जजेस ने मार्क्स दिया है, इतना प्यार दिया है. थैंक यू सो मच. मैं तो इसी बात से हैरान हूँ कि मैं 6 एपिसोड तक यहाँ बैठा हुआ हूँ. मेरे लिए ये अच्छा था, एक तरह से अपने ही आपके साथ मेरा एक्सपेरिमेंट था, और उसके मुझे पैसे भी मिल रहे थे, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है. थैंक्स, इट वॉज वेरी नाइस.